हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझेंगे। ये मेंडल द्वारा दिया गया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में से एक लॉ है। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है? जैसा कि इसका नाम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? पृथककरण, यानी अलग अलग होना। तो जब कभी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट का फॉर्मेशन किस में होगा? वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनमें जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो ये गैमेट क्या हो गया? ये मेल में क्या हो गया? स्पर्म हो गया, और फीमेल में क्या हो गया? एग हो गया। तो गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम दो एलील जो होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी ट्रेट के लिए, वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा यही कहता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, टू एलील रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसे हम मेंडल के क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो एलील हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, और एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो एलील हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब इनमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा ना, तो एक गैमेट में कैपिटल टी चला जाएगा और दूसरे में कैपिटल टी चला जाएगा। मतलब ये दोनों जो है ना, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और इस केस में क्या होगा? एक में कैपिटल टी चला जाएगा और दूसरे में स्मॉल टी चला जाएगा। ये एलील फिर रिकॉम्बाइंड हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान, और ये प्रोड्यूस करेंगे जीनोटाइप, और यही जीनोटाइप किसी भी ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उनके ऑफस्प्रिंग में। और हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें दो तरह के एलील पाए जाते हैं, और इसमें से सिर्फ एक एलील ही जो है वो ऑफस्प्रिंग तक पास होता है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। इन दोनों एलील का गैमेट में जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, यानी कैपिटल टी का गैमेट में जाने की प्रोबेबिलिटी अगर 50% है इस केस में, तो स्मॉल टी की भी प्रोबेबिलिटी 50% होगी। अब हम डायग्राम की मदद से इसे और अच्छे से समझेंगे। ये हमारा मेल है अगर, और ये फीमेल है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। तो ये जो गैमेट्स बनाएंगे, ये क्या होगा? कैपिटल टी बनाएगा, और ये स्मॉल टी बनाएगा। यानी ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये जो हैं एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, और एक गैमेट में कैपिटल टी चला जाएगा और दूसरे गैमेट में कैपिटल टी चला जाएगा। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर एक में स्मॉल टी जाएगा और दूसरे में भी स्मॉल टी जाएगा। अगर यहीं पर कैपिटल टी और स्मॉल टी होता, तो एक में कैपिटल टी चला जाता और एक में स्मॉल टी चला जाता, और इनके जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती? 50-50% होती। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एकदम आसान शब्दों में समझें, गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान एलील जो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ना, उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया? मेंडल के द्वारा दिया गया, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, यानी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। यही मेरा मोटिवेशन है और नए वीडियोस बनाने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।